राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका निशा जी की किचन में। तो चलिए, आज की रेसिपी में हम बनाने वाले हैं अजवाइन वाले मसालेदार आलू। तो अजवाइन डाल दिए हमने तेल में और डालेंगे थोड़ी सी हींग और डाल देंगे प्याज। दोस्तों बहुत ही टेस्टी आलू बनके तैयार होते हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए प्याज को भी अच्छे से भून लेंगे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। अब डालेंगे लहसुन का पेस्ट, इसे भी अच्छे से मिक्स करके भून लेते हैं। देखिए दोनों मसाले हमारे भून चुके हैं, प्याज और लहसुन। अब डालते हैं थोड़ा सा पानी ताकि हमारे प्याज जो है वो जले ना। तो अब डालते हैं स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर। अब डालेंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, इन्हें भी ऐड कर लेते हैं और अच्छे से मिक्स करके भून लेते हैं। तो अब डालेंगे टमाटर की प्यूरी, टमाटर की दो तीन टमाटर को मैंने कद्दूकस करके इसमें डाल दिया है। इन्हें भी अच्छा सब तरीके से भून लेते हैं जब तक कि तेल अलग ना हो जाए। तो देखिए तेल हमारा अलग हो चुका है। अब डाल देंगे बॉयल आलू, इन्हें भी डाल के अच्छे से भून लेते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे मसाले वाले आलू। थोड़ा सा पानी डालकर 3 से 4 मिनट के लिए इन्हें ढककर पकाएंगे। चलिए ढक देते हैं। तो दोस्तों अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखिए तैयार हो गए हैं हमारे आलू बनकर, चलिए सर्व कर लेते हैं इन्हें। तो देखिए मैंने हरी मिर्च से गार्निश किया इनको, तो आपको भी ज़रूर बनाइए और इन्जॉय कीजिए। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, आप इन्हें पूड़ी नान रोटी के साथ इन्जॉय कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ।